Hello everyone, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are fit and fine. So let's start today's video. Today I am going to discuss exercise 11.1 .1 of chapter 11, Exponents and Powers of Class 7th from NCRT. Let's begin. Question number 1 Find the value of वैल्यू बतानी है हमें जो क्वेश्चन दिए हैं उसकी फर्स्ट पार्ट टू टू द पावर सिक्स टू द पावर सिक्स की वैल्यू बतानी है क्या होगी तो टू टू पावर सिक्स मीन्स क्या है सिक्स दिया है मीन्स टू का सिक्स टाइम मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेंगे और इसको टू uh, uh, को सिक्स टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा सिक्सटी फोर आएगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर टू टू दावर सिक्स इज इक्वल्स टू सिक्सटी फोर नेक्स्ट पार्ट नाइन टू दावर थ्री नाइन डेज टू दि पावर थ्री मीन्स नाइन क्यूब नाइन क्यूब मीन्स नाइन का थ्री टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हो रहा है जब थ्री टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी नाइन नेक्स्ट पार्ट इलेवन टू दावर टू मीन्स इलेवन स्क्वायर इलेवन स्क्वायर मीन्स इलेवन का टू टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो टू टाइम्स इलेवन का मल्टीप्लीकेशन करके देखेंगे हमारा आंसर क्या आ जाएगा वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी वन नेक्स्ट पार्ट फाइव रेज टू दावर फोर फाइव रेज टू दावर फोर मीन्स फाइव का फोर टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हो रहा है फाइव का फोर टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करके देखेंगे आंसर हमारा क्या आएगा सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव क्स्ट पार्ट सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू एक्सप्रेस दिन एक्सपोनशियल फॉर्म अब यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दी है ओपन फॉर्म दी हुई है और उसको हमें एक्सपोनेशियल फॉर्म में लिखना है फर्स्ट पार्ट सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स मीन्स सिक्स का फोर टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा सिक्स हमारा बेस हो जाएगा और फोर टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो पावर क्या आ जाएगी हमारा फोर तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सिक्स रेज टू द पावर फोर नेक्स्ट पार्ट टी इंटू टी टी का टू टाइम मल्टी मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो बेस क्या आ जाएगा हमारा टी जितने टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हो रहा है वो पावर आ जाएगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टू तो इसका आंसर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर या टी रेज टू दावर टू नेक्स्ट पार्ट बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी फोर सॉरी बी का फोर टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो बेस किसका मल्टीप्लीकेशन बेस हमेशा वही होगा जिसका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है किसका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है बी का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो बेस हमारा क्या हो जाएगा बी और जितने टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हो रहा है वो हमारी पावर हो जाएगी वही हमारा एक्सपोनेंट हो जाएगा तो फोर टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो बेस हमारा बी और एक्सपोनेंट हमारा फोर हो जाएगा और ये पूरी बी रेस टू दी पावर फोर क्या है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म यही आंसर है नेक्स्ट पार्ट फाइव इंटू फाइव इंटू सेवन इंटू सेवन इंटू सेवन अब यहाँ पे क्या है दो नंबर दिए हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है टू टाइम्स फाइव लिखा है और थ्री टाइम्स सेवन लिखा है तो यहाँ पे दो बेस हो जाएंगे एक फाइव हो जाएगा और एक सेवन हो जाएगा uh, तो एक बार फाइव लिख लेंगे इंटू सेवन अब पावर लगानी है तो पावर कैसे लगाएंगे जितने टाइम्स फाइव का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है पावर में उतने वो नंबर लिख देंगे मींस यहाँ पे फाइव का टू टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो फाइव रेज टू दी पावर टू और सेवन का कितने टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हो रहा है थ्री टाइम्स तो यहाँ पे सेवन की पावर थ्री लिख देंगे तो फाइव रेज टू दावर टू इंटू सेवन रेज टू दी पावर थ्री इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ टू इंटू टू इंटू ए इंटू ए यहां पे भी वही करेंगे दो नंबर हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है टू का टू टाइम्स हो रहा है और ए का टू टाइम्स हो रहा है तो बेस लिख लेंगे टू इंटू ए अब पावर लगाएंगे टू का भी टू टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो टू की पावर भी टू हो जाएगा और ए का भी टू टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो ए की पावर भी टू हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट सिक्स ए इंटू ए इंटू ए इंटू सी इंटू सी इंटू सी इंटू सी इंटू सी सॉरी इंटू डी ए का थ्री टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हो रहा है सी का फोर टाइम्स और डी का सिंगल टाइम तो बेस में हमारे तीन नंबर आ जाएंगे कौन कौन से ए सी एंड डी तीनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो हम लिख लेंगे ए इंटू सी इंटू डी नॉर्मली हम ऐसे करेंगे ए इंटू सी इंटू डी पहले बेस लिख लेंगे फिर अब देखेंगे ए कितनी टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हो रहा है यहाँ पे थ्री टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो ए रेस टू दी पावर थ्री हो जाएगा सी का कितने बार हो रहा है फोर टाइम्स हो रहा है तो सी की पावर फोर हो जाएगा और डी कितनी बार हो रहा है सिंगल टाइम्स तो डी की पावर कुछ नहीं है मीन्स वन है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ए क्यूब इंटू सी टू दावर फोर इंटू डी और नॉर्मली इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ए क्यूब सी सी की पावर फोर डी इस तरीके से हम किसी भी एक्सपेंडेड फॉर्म की एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालते हैं अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है कि किस तरीके से हो रहा है तो इंट्रोडक्शन वीडियो में सारे बेसिक्स क्लियर किए गए हैं जो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है चैनल पे जाके पहले वो चेक कर ले उसको उससे समझ ले उसके बाद इसको देखे जिससे ये और भी क्लियर हो जाएगा और कमेंट में उसका लिंक भी दे दिया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन सारे जो पार्ट्स दिए गए हैं क्वेश्चन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं उसको क्या कहा गया है सबको एक्सपोनेंशियल नोटेशन के फॉर्म में आ, शो करना है फर्स्ट नंबर फाइव हंड्रेड एंड ट्वेल्व फाइव हंड्रेड एंड किसी भी नंबर को ये इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी बता दिया गया है कि कोई भी नंबर दिया जाता है उसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना रहता है तो सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है फाइव हंड्रेड एंड ट्वेल्व का प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है जो जो नंबर आ रहे हैं जिनसे जिनसे ये डिविजिबल है वो सारे नंबर क्या होते हैं उनको लिख लिया जाता है जैसे यहाँ पे 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे हमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन टाइम्स टू मिल रहा है तो हमने उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में पहले लिख लिया है फिर उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया है बेस यहाँ पे क्या आया है टू आया है क्यों क्योंकि सारे टू ही नंबर हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है और कितने टाइम्स है नाइन है तो नाइन टाइम्स है तो इसकी पावर क्या लिखी गई है टू रेस टू दी पावर नाइन तो फाइव हंड्रेड ट्वेल्व का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है टू रेस टू दी पावर नाइन हमेशा कभी भी किसी भी नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है अगर वो सिंपल नंबर है तब तो क्लियर लिख पता चल जाता है और अगर वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर है बड़ा नंबर है तो उसको क्या करते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद वो जिन जिन नंबर्स से डिविजिबल होता है उनको लिख लेते हैं और फिर आ, उनकी पावर आ, को पावर के फॉर्म में उसको शो करके उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं नेक्स्ट पार्ट थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री फिर से थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हमें थ्री टाइम्स सेवन मिल रहा है तो एक्सपेंडिड uh, फॉर्म में सेवन इंटू सेवन इंटू सेवन लिख लेंगे फिर बेस हमारा क्या आ गया सेवन सिंस यहाँ पे सिर्फ एक नंबर मिल रहा है सेवन तो बेस हम सेवन बना लेंगे और थ्री टाइम्स इसका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो पावर में थ्री लिख देंगे यही इसकी एक्सपोनेंशियल नोटेशन हो गई नेक्स्ट पार्ट सेवन ट्वेंटी नाइन सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी नाइन सेवन एंड ट्वेंटी नाइन का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हमें सिक्स टाइम्स थ्री मिल रहा है तो बेस हमारा क्या हो जाएगा थ्री और पावर क्या हो जाएगी सिक्स तो सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी नाइन का एक्सपोनेंशियल uh, नोटेशन uh, uh, क्या हो जाएगा थ्री रेज टू पावर सिक्स नेक्स्ट पार्ट थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव फिर इसका प्राइम फैक्ट्राइजेशन करेंगे हमें प्राइम फैक्ट्राइजेशन में फाइव टाइम्स फाइव मिला है तो हम बेस फाइव लिखेंगे और सिंस ये फाइव टाइम्स है फाइव टाइम्स ही फाइव को मल्टीप्लाई करने पे हमारा थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव आ रहा है तो बेस हमारा फाइव हो गया और एक्सपोनेंट और पावर भी क्या हो जाएगी फाइव ही हो जाएगी तो थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव का एक्सपोने, एक्सपोनेंशियल रोटेशन फाइव रेज टू तो दी पावर फाइव हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेयर एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग हमें दो नंबर दिए गए हैं उसमें बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है उसको चेक करना है फर्स्ट पार्ट फोर रेस टू दावर थ्री और थ्री रेस टू दावर फोर इस फर्स्ट फर्स्ट पार्ट के एक तरफ क्या है फोर रेस टू दावर थ्री मीन्स बेस फोर है और पावर थ्री है और नेक्स्ट नंबर जो दिया है उसमें थ्री बेस है और पावर फोर है तो नॉर्मली ऐसे तो हम बता नहीं सकते तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में पहले लिखेंगे फोर रेस टू दी पावर थ्री को फोर इंटू फोर इंटू फोर और थ्री रेस टू दी पावर फोर को थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री फिर इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे फोर का थ्री टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करने पे सिक्सटी फोर आ रहा है और थ्री का फोर टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करने पे एटी वन आ रहा है तो हमें ये नॉर्मली अब इससे पता चल गया कौन सा नंबर बड़ा है एटी वन बड़ा है सिक्सटी फोर से तो कौन सा नंबर हमारा कौन सा एक्सपोनेंशियल नोटेशन बड़ा होगा थ्री रोज रेस टू दी पावर फोर इज ग्रेटर देन फोर रेज टू दावर थ्री तो जब भी इस तरीके के फॉर्म में दिया जाता है तो हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करके देख लेते हैं क्या हमारा प्रोडक्ट आता है और जो भी प्रोडक्ट बड़ा होता है उसके रिगार्डिंग जो एक्सपोनेंशियल नोटेशन दी रहती है वो हमारी बड़ी हो हो जाती जाती है है। और और दूसरी वाली छोटी तो चेक करेंगे 5 to the power 3 को क्या लिख सकते हैं हम फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव जिसका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद प्रोडक्ट क्या आ रहा है वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव और थ्री रेज टू दी पावर फाइव को हम क्या लिख सकते हैं थ्री का फाइव टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करके थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री और थ्री का फाइव टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमारा क्या आ रहा है टू हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री अब यहां से भी पता चल रहा है वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव बढ़ा है या टू हंड्रेड फोर्टी थ्री टू हंड्रेड फोर्टी थ्री तो टू हंड्रेड फोर्टी थ्री के रिगार्डिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या दी है थ्री रेज टू दी पावर फाइव तो हमारा कौन सा आ, कौन सा नंबर बढ़ा है थ्री रेज टू दी पावर फाइव बड़ा है फाइव रेस टू दी पावर थ्री से पावर फाइव इज ग्रेटर टू रेज टू पावर एट और एट रेज टू पावर टू अब देखेंगे टू रेज टू पावर एट मीन्स टू बेस है और पावर एट है मीन्स टू का एट टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो टू का एट टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करके हम देखेंगे क्या आ रहा है हमारा टू हंड्रेड एंड फिफ्टी सिक्स और एट रेस टू दावर टू मीन एट का टू टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो एट इंटू एट हमारा क्या आता है तो तो ये सिंपली तो हमें प्रोडक्ट से पता चल गया काफी डिफरेंस है दोनों नंबर में कि टू टू हंड्रेड एंड फिफ्टी सिक्स बड़ा है हमारा सिक्सटी फोर से तो इसलिए हमारा टू रेस टू दावर एट बड़ा होगा एट एट रेस टू दावर टू से सिंस टू फिफ्टी सिक्स इज ग्रेटर फोर सो टू रेस टू दावर एट इज ग्रेटर टू पावर टू नेक्स्ट पार्ट हंड्रेड टू दावर टू और टू टू दावर हंड्रेड मोस्टली क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है एक क्वेश्चन एक पार्ट जो दिया गया है उसमें जो बेस है सेकेंड पार्ट में वो पावर बन जा रही है अगर कोई भी पार्ट देखे तो हमारा यहाँ पे ये बेस है ये पावर है यहाँ पे ये बेस है ये पावर है अब यही चीज इसमें भी दी गई है लेकिन इसमें हम कैसे करेंगे लेट सी हंड्रेड एज टू दावर टू हंड्रेड का मीन्स टू टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो हंड्रेड इन हंड्रेड क्या हो जाएगा टेन थाउजेंड नेक्स्ट 2 रेज टू दी पावर 100. अब 2 का 100 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है तो हम कैसे करेंगे हम इसको लॉज जो होते हैं एक्सपोनेंट के उसके फॉर्म में चेंज कर लेंगे हमें टू रेज टू दावर हंड्रेड को अगर तोड़ के लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं पावर ऑफ पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं टू रेज टू दावर होल पावर टेन जब पावर पे पावर लगी रहती है तो लॉज में बताया था कि दोनों पावर का क्या हो जाता है मल्टीप्लीकेशन होता है तो टू रेज टू दावर टेन होल पावर टेन किसके इक्वल है

टेन टाइम्स दस बार मल्टीप्लीकेशन गुणा करना है अब हमने वन थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर होल्ड टू दी पावर टेन को ओपन फॉर्म में एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया लेकिन इसका मल्टीप्लीकेशन तो काफी टाइम लेने वाला है बहुत टाइम लगेगा इसको करने में तो हम थोड़ा सा अपना ट्रिक से यूज कर लेते हैं कि नॉर्मली हम किस तरीके से बता सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे क्या नंबर है किस नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है वन थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर का तो वन थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर को हम और क्या कैसे लिख सकते हैं वन थाउजेंड प्लस ट्वेंटी फोर वन थाउजेंड में जब ट्वेंटी फोर का एडिशन हुआ है तभी वन थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर बना है तो इसी तरीके से सारे वन थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर बने हुए हैं तो जब वन थाउजेंड का मल्टीप्लीकेशन अगर वन थाउजेंड में अगर नेक्स्ट वाला जो पार्ट भी अगर हम ओपन करके लिख लें प्लस ट्वेंटी फोर एंड सो ऑन टेन टाइम्स तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा वन थाउजेंड का जो है वो टाइम्स हो रहा है और ट्वेंटी फोर का भी टेन टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तब हमें का फुल प्रोडक्ट मिलेगा ठीक है जब भी हम वन थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर को हमने इस फॉर्म में लिख लिया तो वन थाउजेंड का भी हमें टेन टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करना और ट्वेंटी फोर का भी ट्वेंटी सॉरी uh, uh, वन uh, थाउजेंड का भी टेन टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करना है ट्वेंटी फोर का भी टेन टाइम्स मल्टीप्लीकेशन कर रहा है करना है फिर दोनों का एडिशन करना है फिर जो नंबर आएगा वो हमारा वन थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर टू पावर टेन का आंसर uh, होगा तो जब हम वन थाउजेंड का और सब तो छोड़ दें अगर हम वन थाउजेंड का टू टाइम्स मल्टीप्लीकेशन भी कर लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा का अगर हम सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में देखने के लिए टू टाइम्स भी मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो हमारा कितना आएगा यहाँ पे सिक्स जीरोज आ जाएंगे सिक्स जीरो आ जाएंगे और हंड्रेड टू पावर टू का आंसर हमें क्या मिला था टेन थाउजेंड अब जब टेन थाउजेंड जब हमें इतने से ही पता चल गया सिर्फ हमने टू टाइम्स मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो हमें ये answer है और हंड्रेड टू पावर टू का answer हमें यह नंबर बड़ा है ये नंबर बड़ा है इस नंबर से तो हमें क्या पता चल गया कि टू रेस टू पावर हंड्रेड जो दिया था वो क्या है बड़ा है किससे हंड्रेड रेज टू पावर टू से तो हम क्या लिखेंगे वन होल रेस टू पावर टेन इज ग्रेटर देन टेन थाउजेंड सो टू होल टू पावर हंड्रेड इज ग्रेटर देन हंड्रेड टू द पावर टू तो जब भी कोई नंबर नम, बड़ा नंबर दिया जाता है तो उसको कोशिश करते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में टाइम ना वेस्ट करना पड़े मल्टीप्लीकेशन में अगर हम किसी ट्रिक से उसको ईजिली पहले से ही सॉल्व कर सकते हैं देख के तो हम उस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं जैसे इस क्वेश्चन में किया गया है क्योंकि अगर इसका मल्टीप्लीकेशन टेन टाइम्स हम करने चलते तो बहुत टाइम लगता तो हमने सिंपली उसका टू टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करके देख लिया वो भी पूरी टर्म का नहीं ट्वेंटी फोर का भी करते तो टाइम लगता सिर्फ वन थाउजेंड वन थाउजेंड का मल्टीप्लीकेशन कर लिया है तो हमने हमें एक नंबर हम फिर इतना बड़ा सा नंबर मिल गया है और दूसरा टेन रेस टू दावर टू का हमें सिर्फ इतना यहाँ पे फोर टाइम्स जीरो मिल रहा है यहाँ पे सिक्स टाइम्स जीरो मिल रहा है तो कौन सा नंबर बड़ा है ये वाला नंबर बड़ा है और इसके रिगार्डिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारी टू रेस टू दावर हार्डर्ड दी है तो ये बड़ी हो जाएगी और ये छोटी हो जाएगी नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट टू रेस टू दावर टेन और टेन रेस टू दावर टू तो टू रेस टू द पावर टेन टेन टाइम्स टू का मल्टीप्लीकेशन करना है तो इससे पहले वाले पार्ट में टेन टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हमने देखा था कितना वन था पावर टू मीन टू टाइम्लिकेशन करना है तो क्या आ जाएगा हमारा हंड्रेड तो वन थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर हमारा हंड्रेड से बड़ा है इसलिए टू रेज टू दावर टेन इज ग्रेटर टू टू पावर टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एस प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम नंबर्स अब जो नंबर्स दिए गए हैं उनको उनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की पावर के फॉर्म में लिखने हैं तो हम कैसे करेंगे फर्स्ट पार्ट सिक्स हंड्रेड एंड फोर्टी एट इसमें भी हम क्या करेंगे जब हमें प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है मीन हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो जो भी नंबर दिया है उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे यहां, दिया है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे हमें थ्री मिल रहा है टाइम्स मिल रहा है तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेंगे बेस हमारा क्या क्या मिल गया टू और थ्री तो हम बेस लिख लेंगे टू इन टू थ्री फिर देखेंगे कितने टाइम्स टू आ रहा है थ्री टाइम्स पावर आ गई टू रेज टू दावर थ्री और थ्री कितने टाइम्स आ रहा है फोर टाइम्स आ रहा है तो थ्री रेस टू दी पावर फोर यही इसका प्राइम फैक्टर्स यही इसके प्राइम फैक्टर्स है उसकी पावर के फॉर्म में लिखना है तो सिक्स फोर्टी एट का प्राइम फैक्टर्स की पावर क्या होगी टू रेस टू दावर थ्री इंटू थ्री रेस टू दी पावर फोर नेक्स्ट पार्ट फोर हंड्रेड एंड फाइव फोर हंड्रेड फाइव का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है फोर टाइम्स थ्री मिल रहा है और सिंगल टाइम फाइव मिल रहा है बेस हमारा थ्री और फाइव हो जाएगा सिंस हमारा uh, sorry, हमारा सॉरी टाइम्स मिल रहा है तो टू हो जाएगा और फाइव सिंगल टाइम मिल रहा है तो फाइव सिंगल ही रहेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा टू पावर फोर इंटू फाइव नेक्स्ट पार्ट थर्ड फाइव हंड्रेड एंड फोर्टी इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें टू टाइम्स टू मिल रहा है थ्री टाइम्स थ्री मिल रहा है और फाइव सिंगल टाइम मिल रहा है तो इसको हम हमें क्या क्या मिल जाएगा टू थ्री एंड फाइव अब पावर कैसे लगाएंगे टू टाइम्स टू है तो पावर टू हो गया थ्री टाइम्स थ्री है तो पावर थ्री हो गया और सिंगल टाइम फाइव है तो पावर फाइव हो गया तो इसका आंसर क्या हो गया टू रेस्ट टू दावर टू इंटू थ्री रेस्ट टू दावर थ्री इंटू फाइव नेक्स्ट पार्ट फोर्थ थ्री थाउजेंड एंड सिक्स हंड्रेड थर्टी सिक्स हंड्रेड थर्टी सिक्स हंड्रेड का फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें फोर टाइम्स टू मिल रहा है टू टाइम्स थ्री मिल रहा है और टू टाइम्स फाइव मिल रहा है तो हम हमारा बेस क्या क्या हो गया इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेंगे फिर बेस लिख लेंगे टू इंटू थ्री इंटू फोर अब पावर लगाएंगे टू टाइम सॉरी फोर टाइम्स टू है तो टू टू पावर फोर आ जाएगा टू टाइम्स थ्री है तो थ्री टू पावर टू हो जाएगा और टू टाइम्स फाइव है तो फाइव टू दाइव टू पावर टू हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा टू रेस टू दावर फोर इंटू थ्री रेस टू दावर टू इंटू फाइव रेस टू पावर टू नेक्स्ट पार्ट सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स सिंप्लीफाई हमें सिम्पलीफाई करना है जो एक्सप्रेशन दिया है फर्स्ट पार्ट टू इंटू टेन टू पावर थ्री इसमें हमें नॉर्मली कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई है कुछ नॉर्मल नंबर्स दिए गए हैं उनका मल्टीप्लीकेशन करके आंसर लिखना है तो टू इंटू टेन रेज टू पावर थ्री मीन्स टेन का थ्री टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करना है तो थ्री टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करने पे हमारा वन थाउजेंड आएगा इसमें टू का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा टू थाउजेंड नेक्स्ट पार्ट सेवन रेज टू दावर टू इंटू टू रेज टू दावर टू इसमें सेवन का भी टू टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हो रहा है और टू का भी टू टाइम्स मल्टीप्लीशन हो रहा है सेवन का टू टाइम्स मल्टीप्लीकेशन आंसर हमारा फोर्टी नाइन आएगा टू का टू टाइम्स मल्टीप्लीकेशन आंसर हमारा फोर आ जाएगा तो फोर्टी नाइन में फोर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे हमारा आंसर कितना आ जाएगा वन हंड्रेड एंड नाइन्टी सिक्स नेक्स्ट पार्ट टू रेज टू दावर थ्री इंटू फाइव यहाँ पे टू का थ्री टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो टू इंटू टू इंटू टू फाइव का फाइव इंटू फाइव सॉरी फाइव का सिंगल टाइम तो इंटू फाइव आ जाएगा तो टू का जब थ्री टाइम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एट आएगा और एट का फिर किस में मल्टीप्लीकेशन कर देंगे हम फाइव में तो एट फाइव सा फोर्टी आंसर हमारा फोर्टी आ जाएगा नेक्स्ट पार्ट थ्री इंटू फोर टू पावर फोर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेंगे थ्री इंटू फोर टू दि पावर फोर लिखा हुआ है तो फोर टाइम्स मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे फोर का फोर इंटू फोर इंटू फोर इंटू फोर तो फोर का फोर टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करने पे आंसर हमारा क्या आएगा टू हंड्रेड एंड फिफ्टी सिक्स उसका थ्री में मल्टीप्लीकेशन कर देंगे आंसर हमारा क्या आ जाएगा सेवन हंड्रेड एंड सिक्सटी एट नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ पार्ट जीरो इंटू टेन टू दावर टू अब इसमें तो कुछ करना ही नहीं है सिंस यहां जीरो से मल्टीप्लीकेशन दिया गया है तो यहाँ पावर या नंबर कुछ भी दिया हो किसी भी नंबर का जीरो में मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आंसर हमारा क्या आता है जीरो ही आता है तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के इसका आंसर जीरो लिख देंगे नेक्स्ट पार्ट सिक्सथ फाइव रेस्ट टू द पावर टू इंटू थ्री रेज टू पावर थ्री इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेंगे टू टाइम्स फाइव लिखेंगे थ्री टाइम्स थ्री लिखेंगे फाइव इंटू फाइव इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री फाइव का टू टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करने पर ट्वेंटी फाइव आएगा थ्री का थ्री टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करने पर ट्वेंटी सेवन आएगा तो ट्वेंटी फाइव में ट्वेंटी सेवन का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे आंसर हमारा सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी सॉरी सिक्स हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव आ जाएगा नेक्स्ट पार्ट टू रेज टू दी पावर फोर इंटू थ्री रेस टू दी पावर टू इसको भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेंगे टू का फोर टाइम्स मल्टीप्लीकेशन थ्री का टू टाइम्स मल्टीप्लीकेशन टू का फोर टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करने पे आंसर हमारा आएगा थ्री का टू टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करने पे आंसर हमारा नाइन आएगा और इंटू नाइन हमारा क्या होता है वन हंड्रेड एंड फोर्टी फोर नेक्स्ट पार्ट एथ थ्री रेस टू दावर टू इंटू टेन रेज टू दी पावर फोर थ्री का टू टाइम्स मल्टीप्लीकेशन और टेन का फोर टाइम्स तो थ्री इंटू थ्री इंटू टेन टेन इंटू टेन इंट्री इंटू थ्री क्या आएगा नाइन और टेन uh, का फोर टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करने पे क्या आएगा टेन थाउजेंड तो नाइन इंटू टेन थाउजेंड क्या हो जाएगा हमारा नाइन्टी थाउजेंड आंसर हमारा क्या जाएगा नाइन्टी थाउजेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन सिंप्लीफाई इसमें भी क्या करना है सिंप्लीफाई दिया गया है फर्स्ट पार्ट माइनस फोर रेस टू द पावर थ्री अब यहाँ पे हमें जो इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि किसी भी निगेटिव uh, नंबर की पावर अगर इवन होती है तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा और किसी भी निगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड होती है तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा निगेटिव आएगा उसका यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है फर्स्ट पार्ट माइनस फोर रेस टू द पावर थ्री तो यहाँ माइनस फोर का थ्री टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हो रहा है सिंस थ्री क्या है एक और नंबर है तो हमारा आंसर माइनस में ही आएगा तो माइनस फोर इंटू माइनस फोर इंटू माइनस फोर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा फोर का फोर टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे सिक्सटी फोर आ जाएगा और माइनस का जब थ्री टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा अब प्लस का जब माइनस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस तो आंसर हमारा माइनस में आएगा और जब इवन इवन हमारा पावर होगी माइनस की तो फोर टाइम्स मल्टीप्लीकेशन या टू टाइम्स या सिक्स टाइम्स कुछ ऐसे होगा जो भी इवन नंबर्स होते हैं उतने टाइम्स मल्टीप्लीकेशन होगा माइनस साइन का तो यहाँ पे क्या होगा माइनस इंटू माइनस प्लस फिर प्लस इंटू माइनस माइनस फिर अगेन माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव तो इस तरीके से हम जानते हैं इसको याद नहीं करना है इसको समझना है कि क्यों पावर ऑड होगी तो आंसर हमारा माइनस में आएगा क्यों पावर हमारी अगर इवन होगी तो आंसर हमारा प्लस में आएगा ठीक है ये अभी इस तरीके से समझते हैं कि माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो प्लस आएगा फिर जब एक माइनस मिलेगा तो उससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है और यही जब फोर टाइम्स हो जाता है या इवन नंबर हो जाते हैं बार बार तो मतलब इवन टाइम्स मल्टीप्लीकेशन होता है तो क्या होता है टू टाइम्स प्लस को माइनस uh, को माइनस करने मल्टीप्लीकेशन uh, करने पे प्लस आ जाता है फिर टू टाइम्स माइनस को मल्टीप्लीकेशन करने पे प्लस आ जाता है और प्लस प्लस का मल्टीप्लीकेशन प्लस होता है तो यहां पे आंसर आ जाएगा। सिंगल टाइम है तो इसको माइनस थ्री लिखेंगे और माइनस टू को थ्री टाइम्स लिखेंगे माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू माइनस थ्री तो एज इट इज आ जाएगा और माइनस टू का थ्री टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करने पे हमारा माइनस एट आएगा और माइनस एट का जब माइनस थ्री में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा एट थ्री सा ट्वेंटी फोर और माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा तो आंसर किस में आ जाएगा पॉजिटिव प्लस में आ जाएगा प्लस का ट्वेंटी फोर नेक्स्ट पार्ट माइनस थ्री रेस टू दावर टू इंटू माइनस फाइव रेस टू दावर टू इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री इंटू माइनस फाइव इंटू माइनस फाइव माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री प्लस का नाइन आ जाएगा माइनस ट्वेंटी सॉरी माइनस फाइव इंटू माइनस फाइव प्लस का ट्वेंटी फाइव आ जाएगा और ट्वेंटी फाइव का जब नाइन मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव नेक्स्ट पार्ट माइनस टू रेस टू दावर थ्री इंटू माइनस टेन रेस टू दावर थ्री अब इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेंगे माइनस टू का थ्री टाइम्स मल्टीप्लीकेशन टेन का थ्री टाइम्स माइनस टेन का थ्री टाइम्स मल्टीप्लीकेशन तो माइनस टू के थ्री टाइम्स मल्टीप्लीकेशन में हमें आंसर क्या मिलेगा माइनस एट माइनस टेन के थ्री टाइम्स मल्टीप्लीकेशन में हमें मिलेगा माइनस वन थाउजेंड और जब माइनस एट का माइनस वन थाउजेंड में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा प्लस का एट थाउजेंड पॉजिटिव एट थाउजेंड क्वेश्चन नंबर एट कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स नंबर्स दिए गए हैं पेयर्स में उनको कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है फर्स्ट पार्ट फर्स्ट नंबर टू पॉइंट सेवन इंटू टेन रेज टू द पावर ट्वेल्व सेकेंड नंबर वन पॉइंट फाइव इंटू टेन रेज टू द पावर एट अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये नंबर अगर हम अलग से छोड़ भी दें अगर अभी इस पे ध्यान ना दें तो हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं टेन रेज टू दी पावर ट्वेल्व लिखा है और यहाँ पे टेन रेज टू दी पावर एट लिखा है मीन्स यहाँ का यहाँ पे टेन का ट्वेल्व टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हो रहा है और यहाँ पे टेन का एट टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो हमें और मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ऐसे ही पता चल गया कि जब टेन का ट्वेल्व टाइम्स मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये एक बड़ा नंबर मिलेगा इन कंपेयर टू अगर हम टेन का एट टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करें तो हमें ये देख के ही समझ में आ गया कि हमारा टू पॉइंट सेवन इंटू टेन रेज टू दावर ट्वेल्व इज ग्रेटर देन वन पॉइंट फाइव इंट टेन रेज टू दावर एट तो अगर अगर यहाँ पे हमारा सिंगल सेम डिजिट दी होती तो हमें एस तब हमें इन नंबर्स को देखना होता लेकिन जब हमें यहाँ पे ये नंबर ऐसा दिख रहा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसी नंबर्स दिख रही हैं जिनमें पावर से ही हम बता दे रहे हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है तो हमें पूरा एक्सपेंड करके देखने की ज़रूरत नहीं है हमें यहीं से पता चल जा रहा है कि ये नंबर इस नंबर से बड़ा है नेक्स्ट पार्ट फोर इंटू टेन टू द पावर फोर्टीन और सेकेंड नंबर थ्री इंटू टेन टू द पावर सेवेंटीन अब यहाँ पे भी से, ये अगर हम ऐसे देखें इसको हटा दें तो हमें फोर है और यहाँ थ्री है तो उसके हिसाब से ये नंबर बड़ा होना चाहिए लेकिन इससे नहीं मतलब है पहले तो हम अभी यहाँ पे टेन रेज टू द पावर फोर्टीन और यहाँ 17 दिया उसको भी देखेंगे तो पहले हम इसको देखेंगे तो टेन रेज टू दावर फोर्टीन मीन्स हमें वन के बाद फोर्टीन ज़ीरो मिलने वाले हैं और यहाँ पे टेन रेस टू द पावर सेवनटीन मीन्स वन के बाद सेवनटीन ज़ीरो मिलने वाले हैं तो कौन सा नंबर बड़ा होगा हमारा टेन के बाद सॉरी वन के बाद जब सेवनटीन जीरो होगा तो वो नंबर बड़ा होगा इन कंपेयर टू वन के बाद जब फोर्टीन ज़ीरो होगा तो हमारा कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा थ्री इन टू टेन टू द पावर थ्री इंटू टेन टू दावर सेवनटीन इज ग्रेटर देन फोर इंटू टेन टू द पावर फोर्टीन ऐसे एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि अगर हमारा टू इंटू टेन टू द पावर थ्री लिखा है और अगर एक हमें एग्जाम्पल दे दिया जाए थ्री इंटू टेन टू द पावर टू सिंपल नंबर से समझते हैं कि ये तो बड़े बड़े नंबर हैं हो सकता है किसी को ना समझ में आ रहा हो लेकिन इससे समझ सकते हैं यहां पे ये नंबर छोटा है ये नंबर बड़ा है तो इसको देखते हुए तो कोई कह सकता है कि नहीं ये वाला नंबर बड़ा है और ये वाला नंबर छोटा है लेकिन नहीं हम पूरा इसको एक्सपेंड करके देखेंगे इसीलिए यहां पे टेन डेज टू दी पावर थ्री का मतलब टेन का थ्री टाइम्स मल्टीप्लीकेशन और यहां पे टेन का टू टाइम्स मल्टीप्लीकेशन तो हमें यहां पे क्या मिल रहा है हंड्रेड मिल रहा है और यहां पे क्या मिल रहा है वन थाउजेंड मिल रहा है तो जब टू का हम वन थाउजेंड में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा क्या मिल रहा है टू थाउजेंड और जब थ्री का हम हंड्रेड में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या मिल रहा है थ्री हंड्रेड तो कौन सा नंबर बड़ा है थ्री हंड्रेड सॉरी टू थाउजेंड हमारा बड़ा है और थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड क्या है छोटा है तो हम आगे कोई भी नंबर दिया हो अगर हमें टेन रेज टू दी पावर कुछ नंबर दिया है तो जिसकी पावर बड़ी होगी वो वाला नंबर हमारा बड़ा होगा तो यहाँ पे हमारा दोनों क्वेश्चंस में हम इसी बेसिस पे आंसर बता देंगे कि कौन सा नंबर हमारा बड़ा है सो थैंक यू एवरी वन दिस इज ऑल अबाउट टू वीडियो इफ दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू देन प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस एक्सरसाइज इलेवन पॉइंट टू वंस अगेन थैंक यू एवरी वन